तो सवाल ही सवाल है। अच्छा नहीं, इस्तफहामात है ना, इसम के बारे में, इस्मुल इस्तफामिया, ठीक है, यानी कि ऐसे कौन से इस्म है जिससे सवाल किए जाते हैं, ठीक है। तो नंबर वन में हम देखेंगे हल, ठीक है ना, हल, इसका क्या मतलब है, क्या, क्या हाँ। फिर एक है अ, हमजतुल इस्तफाम, उसका क्या मतलब है, क्या क्या, ठीक है, हाँ, अच्छा। फिर एक है मां, इसका भी मतलब क्या? इसका क्या मतलब है, इसका भी मतलब क्या है, क्या, माँ भी हो सकता है और माजा, दोनों, इसका भी मतलब है क्या, ठीक है। फिर है मन, इसका भी मतलब होता है कौन, इसका मतलब होता है कौन, ठीक है। अच्छा, अब जो आपको ज्यादा करके इसमें आएगा मदीना बुक में, वही दो तीन लेते हैं। ऐना, इसका मतलब है कहाँ, कहाँ? ठीक है, कहाँ। चले, इतना हम देखते हैं, आगे बहुत सारे हैं लव्स, और चार पांच है, लेकिन हम इतनों को ही देखते हैं। अच्छा, हल और आ, ये क्या है, ये दोनों हर्फ है, ठीक है, ये क्या चीज है, हर्फ है। और मा, मन, ऐना, ये सब माजा, ये क्या है, ये इसमें, ठीक है, ये इतने इसमें, ये हर्फ है, ठीक है। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये होगा कि ये हल और आ जो है ना, इसकी ये चूंके इसम नहीं है, हर्फ है, तो इनकी कोई एराबी हालत नहीं होगी कि हम इसको बोलेंगे कि मरफू है या मजरूर है या मंसूब है, हो सकता है, हर्फ, हर्फ की एराबी हालत नहीं हो सकती ना, हर्फ जो है ना वो मबनी है, इसी तरीके से रहेगा, हर्फ है, ठीक है, हर्फुल इस्तफाम है, इसकी कोई एराबी हालत नहीं हो सकती। तो और दूसरी बात ये है, ये सारे जितने भी इसम हो या हर्फ हो जो क्वेश्चन के लिए आते हैं, इस्तफामिया है, उनकी एक ऐसी सिफात है कि वो हमेशा जुमले के शुरू में आते हैं, ठीक है बिल्कुल ना, सही जी। हाँ, हमेशा वो पसंद करते हैं जुमले के शुरू में आने के लिए। तो जब हर्फ जुमले के शुरू में आएगा ना, तो हम बोलेंगे उसकी कोई एराबी हालत नहीं है, लेकिन इसम अगर जुमले के शुरू में इस्तफहामिया आएगा, तो उसकी जुमले में एराबी हालत भी होगी और उसका एक महल भी होगा, ठीक है ना। हाँ जैसे जैसे अगर जुमला इस्मिया में आता है, तो फिर जुमला इस्मिया में महल दो होते हैं ना, मुब्तदा और खबर, तो या तो ये मुब्तदा भी बन सकते हैं और खबर भी बन सकते हैं, ठीक है। और जो है ना, हल और आ चूंकि हरफ है, तो जुमले के शुरू में आएंगे, मगर मुब्तदा और खबर इनके बाद जो होंगे ना, उसको हम ढूंढेंगे, ये ना मुब्तदा बनेंगे ना खबर, क्योंकि ये ना मरफू है ना मजरूर है ना मंसूब होते हैं, ये हर्फ है। ये बात आपको समझ आ गई, जी तो हम इसको अब प्रैक्टिस जो आपने मदीना बुक में किया था ना, उसको करेंगे। अच्छा, अब जो एक बात है कि ये माँ, माजा, मन, ऐना, ये सब जो इसम है, ये इसमें नकरा है, हम इसको नहीं बोलेंगे कि इसमें इसम क्या, मार्फा, मार्फा नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, बस लोग इनको मार्फा बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बोलते हैं नहीं, ये इसम क्या है, ये इसमें नकरा है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो एक ये है ना आईना, इसको हम इसमें जर्फ बोलते हैं, ये सारे जो है ना, ये माँ, माजा, मन, आईना, ये सब जो है ना मबनी, उन मबनी लफ्ज है, इसकी भी रफई हालत होगी, इसकी भी है ना जरी हालत होगी, इसकी भी नस्बी हालत होगी, क्योंकि इसम है, लेकिन इसका एराब हमें कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा आपको, मबनी लफ्ज के एराब कैसे पता चलते हैं, उनके साथ जो होंगे जुमले उनसे पता चलेगा। महलन, हम बोलेंगे महलन, ठीक है ना, महलन, अगर वो मुब्तदा के महल में है तो हम बोलेंगे मरफू है, ठीक है ना,
खबर के महल में है तो हम बोलेंगे मरफू है, अगर ये मुजाफ इलैह है के महल में है तो हम बोलेंगे मजरूर है। ठीक है, तो इस तरीके से महलन होता है। और ये जो है ना आईना, ये इसमें जरफ जरफ है, ये जगह वक्त बता रहा है। ठीक है ना। जैसे ईजा हाँ, जैसे युद्धा था ना जब, वैसे ही आईना यानी कहाँ, नहीं ये वक्त नहीं बताता, जगह बता रहा है। तो ये इस जरफे मकान होगा। ठीक है, चले ऐसे ही अब इसको मिटाऊं मैं। बिल्कुल ये बात हो गई। अभी हमने देखे कल जो है ना, हमने फेल के बारे में पढ़ा था ना, थोड़ा सा देखते हैं। फेल के बारे में हमने पढ़ा था खलका, एक दफा समझ लेते हैं फिर सबकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। ये खलका जो है ना, ये क्या है, फेल है। काम फेल किसको कहते हैं, के जिस होने पर को या काम करने किया, को, जिस जिस पर पर काम काम किया जाए। नहीं, नहीं ऐसा पर कलीमा, ये कलीमा है। ठीक है ना, चलो जिसमें ये काम कलीमा करना है। हाँ, जिसमें ऐसा कलीमा जो काम होने का मानी दे, यानी काम हुआ है। ठीक है, काम अच्छा उसमें होने जमाना भी का, पाया जाए, या तो माजी में हुआ है, या अभी हो रहा है हाल में, या मुस्तकबिल में होगा। बिल्कुल ठीक है ना, ऐसा कलीमा जिसमें काम के होने का पता देता हो, वो कलीमा जो काम होने का पता देता हो और उसमें जमाना पाया जाए। कौन सा जमाना, माजी का। हाँ, तो या अब हम देखेंगे कि अरबी में जैसे हम अपना उर्दू में हम देखते हैं ना, तो हम कहते हैं कि माजी और मुस्तकबिल, यानी इंग्लिश में होता है ना, तीन तीन होते हैं ना इंग्लिश में, अगर हम बोलेंगे तो पास्ट टेंस। ठीक है ना, पास्ट टेंस यानी माजी में काम हो गया। ठीक है, फिर होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस यानी अभी हाल हो रहा है, हाल में। ठीक है ना, मौजूदा हाल, हाल में मौजूदा वक्त में हो रहा है। और फिर एक होता है फ्यूचर टेंस, उसका क्या होता है, मुस्तकबिल में काम होने वाला है, वो जाएगा, उस वो पैदा करेगा। ठीक है, तो अरबी में ना ये जमाना जो है ना दो ही है, माजी, एक होता है माजी पास्ट टेंस। ठीक है ना, और हाल और मुस्तकबिल के लिए ना एक ही लफ्ज आता है, उदारा हाँ मुदारा। उदारा हाँ, फेले माजी फेले मुबारा। ठीक है, इसमें माजी का मतलब होता है काम जो है ना माजी में हो चुका है, और मुजारे का क्या मतलब है, मुजारे का क्या मतलब होगा है, या तो हाल में हो रहा है या फ्यूचर में होगा। तो वो कैसे पता चलेगा, कॉन्टेक्स्ट देख के, सेंटेंस में जैसे इस्तेमाल होता है ना उसमें। ठीक है, तो फेले माजी और मुजारा, असल में ये खलक का जो हमने पढ़ा था वो माजी है। अभी आज हम माजी पे बात करेंगे जो मुस्तकबिल है। तो ये अगर हम इसको देखें ना, तो खला का किसके वजन पे, फ़ाला के वजन पे। जी हाँ, फेल का जो है ना वजन होता है। ठीक है ना, फेल को हम, इसका एक वजन एक खाका होता है। ये अभी खला का हमने लिया ना, खला का, तो ये हम इसको बोलेंगे फाकलमा। ठीक है ना, लाम को हम बोलेंगे ये ऐन कलमा, और काफ को बोलेंगे लाम कलमा। ठीक है ना, तीनों पे जबर है तो तीनों पे जबर आएगा। ठीक है ना, ये इस तरीके से इसको जांचना है। आपको समझ आई, जी जी खाला का उसने पैदा किया उसने हवा पैदा किया, कर चुका, माजी का है। अब आप मुझे बताएं, का। इसका फा कलमा कौन सा है, आयन कलमा कौन सा है, लाम कलमा कौन सा है। फा कौन सा जी कलमा है, फा हाँ कलमा इसका नाम हो जाता है। लाम कौन सा कलमा है,
आई आ आयन कलमा, ठीक है। काफ कौन लाम सा कलमा है? कलमा। लाम कलमा। इसका एक बाब इस तरह से इसको जांचने का होता है। अच्छा मैंने कहा अभी अभी मैं लिखूंगी दौराबा, ठीक है, तो अब इसका बताएं फा कलमा कौन सा है? दौद 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 है फा कलमा, ठीक है। रजिया आपको समझ आ रही है? रजिया रॉ आइन कलमा हाँ, रॉ आयन कलमा। और ये बा बा कौन लाम सा है? दाम लाम लाम कलमा, कलमा। ठीक है। हाँ तो अभी ये तीनों पे, ये खौला का और दाराबा, तीनों फा कलमे पे भी जबर है, ऐन कलमे पे भी जबर है, बा कलमे पे भी जबर है, ठीक है। अभी एक होता है फेल, ये जो फाला का वजन एक है, एक वजन होता है फाइला, ठीक है। ये तीन तीन वजन पे तीन बाब तीन तरीके से आते हैं, फाला फाइला, और एक होता है फाइला हाँ फाउला, फाउला फाउला फाउला, ठीक है। ये माजी माजी के लिए ये तीन होते हैं। अब इसको हम देखें, फाला पे आ गया खला का, ठीक है, खला का दौराबा, दौराबा, ठीक है, ये फाला। अब फाइला के वजन में आएगा शरीबा, ठीक है, शरीबा। शरीबा के क्या मानी है? उसने पीना। पिए। हाँ, उसे एक मर्द ने पान पिया, शरीबा। तो अब शरीबा हम क्या बोलेंगे? कौन से उस पे इसका फा कलमा कौन सा है? फाइला ना, फा कलमा क्या है शरीबा का? कलमा है, शीन है ना, शीन चीन। आयन कलमा रॉ रॉ, अरे हाँ रॉ, फा ई। लेकिन हम क्या बोलेंगे इसके आयन कलमे पे? इसका आयन कलमा जो है ना वो क्या है? मजरूर, जेर है, फाइला मजबूरी। हाँ आ सकता है ऐसे, ठीक है। और अभी ये फाउला, फाउला के वजन पे आता है करूमा, ठीक है। ये भी इसी तरीके से बीच वाले जो कलिमे है ना आयन कलमा, उसकी हरकत चेंज होती है, लेकिन शुरू के माजी में शुरू के फा कलमा और लाम कलमे की हरकत जबर वाली ही रहती है। ये अभी आज के सबक में आपको याद कर लेना है, ठीक है। खाला का फाला के वजन पे है, शरीबा फाइला के वजन पे है, और करूमा फाउला के वजन पे है, ठीक है। मिटाओ इसको, फेल जी को समझना होगा ना, अभी ऐसा ऐसा फेल को हम समझते तो पहले एक एक स्टेप से जाना पड़ेगा। तो फेल जो है ना उसको तीन फेले माजी, खास करके फेले माजी। माजी का क्या मतलब है? जो जमाना है, गुजरे हुए जमाने में चुका। काम हो चुका है। हाँ तो ये तीन तीन उसका ना बाब तीन तीन तरीके के वजन होते हैं, फाला, ठीक है, फाइला, फाउला, वाह फाउला। अभी आपने इसी को देखना है, फाला फाइला फाउला, ठीक है, ठीक है, समझ आ गई आपको? चलिए अभी इसको जी मिटाती हूँ मैं। हाँ ये आपके 2 पॉइंट्स थे, एक मैंने आपको बता दिया के इस्मुल इस्तफाम और हरफुल इस्तफाम, ठीक है। अच्छा अब एक एक बात को नोट कर लेते हैं कि हमजा जो हमने पढ़ा, अ हादा बैतुन, ठीक है। अभी ये इसको हम क्या बोलेंगे? आप कल पढ़ चुके हैं परसों, इसको क्या बोलेंगे, एनालाइज करेंगे तो हर पुलिस से फहमी, हर क्या ये पुलिस से, हर पुलिस से फहमी। इस्तफामी, इस्तफामिया ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इस्तफामिया। अच्छा फिर हम बोलेंगे मबनीउन अलल फती, ठीक है ना। मबनी ला हाँ मबनी आलोचना कहीं मबनीउन अलल फती पढ़ा था आपने, मबनीउन अलल फती। जी। ला ला महल लहू मिनल एराबी,
इसका कोई महल नहीं है, ये मुक्तदा भी नहीं है, खबर भी नहीं है इसके, ये ना मंसूब है ना मजरूर है, कुछ भी नहीं। क्यों नहीं है ये? क्योंकि ये हर्फ है, ठीक है। अच्छा, इसकी एक खसूसियत है कि इसका जो इससे जो जवाब सवाल किया जाता है ना, उसका जवाब जो है ना, अगर हम एक लफ्ज में दे तो भी पूरा हो जाता है। आहादा बैतून, क्या ये घर है? अब आप मुझे बताएं, क्या आपको ये घर नजर आ रहा है तो आप इसको क्या बोलेंगे? नाम सिर्फ ये हमजा से ना क्या हो जाएगा? नाम, ठीक है, नाम। ये जवाब पूरा हो गया। हाँ, इसका मतलब क्या है? हाँ, हरफुल जवाब ली इस बात, ये आप पढ़े ना, हरफुल जवाब ली इस बात, हाँ हरफुल जवाब ली इस बात, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि पॉजिटिव जवाब इस बात, यानी हाँ में नाम, ये घर है, ठीक है। हम खाली नाम बोलेंगे, खत्म, बात हो गई, जवाब मिल गया। अगर ये घर नहीं है, समझ लो कि ये जो है ना मस्जिद है, मीनारा भी लगा देते ना, ये मस्जिद है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? अहादा बैतून, तो ये मस्जिद है, तो हम क्या बोलेंगे? ला। हाँ, ना नहीं ये भी हरफुल जवाब है, लेकिन ली नफी, ली नफी, ठीक है। जब हमजा से सवाल किया जाएगा हरफ हरफ से, तो हम सिर्फ नाम और ला बोलेंगे, जवाब कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर हम बोलेंगे इसम से माहादा, फिर ऐसे आएगा माहादा, ये क्या है, ठीक है ना, ये क्या है, तो इसका जवाब कैसे आएगा? एक हर्फ से आएगा नहीं। नहीं। नहीं, इसके लिए ये इसम है, इसके लिए हमने पूरा जवाब देना है, हादा बैतुन। फर्क समझ आई दोनों में? आ में और माँ में फर्क समझ आई? जी इसम से सवाल होगा तो आपको सेंटेंस पूरा होगा, उसमें एक लफ्ज नहीं लिखे हाँ या ना नहीं होगा, ठीक है। ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो आज समझाने थे, वो मैंने समझा दिए, अब इसको हम प्रैक्टिस में लेते हैं। एक एक ना एक और पॉइंट मैं आपको आज समझाऊं, फिर हम कुरान खोल के देखते हैं। हमने जो है ना इसम की एराबी हालत में हमने क्या क्या पढ़ा? इसम की एराबी हालत, इसमें हमने हमने क्या क्या पढ़ा? मजरूर, ठीक है ना, पहले क्या पढ़ा हमने? मरफू, इसम की एराबी हालत मारे मरफू। अच्छा, दो ऐसी हालत बताओ जबकि इसम मरफू होता है, ठीक है, वो क्या होता है? मुब्तदा और खबर, है ना, मुब्तदा और खबर खबर। अगर कोई भी इसम मुब्तदा या खबर की जगह पे आ रहा है तो वो क्या होता है? मरफू, ठीक है ना। मफू हाँ, अच्छा, मजरूर कब होता है? हमने कब कहाँ कहाँ पढ़ा मजरूर? मजरूर कब होता है, याद है आपको? जब हरफे जार के बाद आए, मजूर हरफे जार उसको लगे तो वो इसम क्या हो जाता है? हरफे जार की वजह से, हाँ, की वजह से वो मजरूर होता है। और दूसरा, एक ये एक एक रीजन ये था, दूसरा कौन सा था? मुदाफिले, नहीं अभी मजरूर का चल रहा है, मुजाफिले। जब मुजाफिले बनता है वो इसम, तो वो क्या होता है? इराबी हालत उसकी क्या होती है? जी जब होती मुजाफ, हाँ, जर्री, हाँ, तो ये, होती है हाँ, तो फिर बस अच्छा, दो ऐसे इसम जो मरफू होते हैं वो क्या है? मुक्तदा और खबर। मुर्तजा और हाँ, खबर दो ऐसे इसम जो मजरूर होते हैं वो क्या है? हरफे जर के बाद आए या, फले हाँ, अभी हमने पढ़ना है कि हर्फ मंसूब कब होते हैं, ये हमने पढ़ा है, मंसूब कब होते हैं?
इस ये ना इसके लिए इसके खाली दो नहीं है, बहुत ज्यादा है। जब मंसूब होते हैं ना, मंसूब कब होते हैं, उसकी रीजन बहुत ज्यादा है, दो से ज्यादा है। तो वो मैं आपको आज बताना चाहती थी। वो इसम जिस पर फाइल का फेल वाकए हो, ठीक है, ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अब मंसूब कब होता है, ठीक है ना, हालत नसब में कब आता है कोई इसम, तो नंबर वन पॉइंट है आपको वो याद करें, हम पढ़ेंगे आज। वो इस जिस पर फेल का फाइल का फेल, सॉरी, जिस पर फाइल का फेल वाके हो, ठीक है ना। और इसको कहते क्या है पता है, मफूलुन बिही, मफूलुन बिही। जब कोई इसम मफूलुन बिही होता है तो वो क्या होता है, मंसूब होता है। ये आपने लिख लिया या स्क्रीनशॉट ले ले। अब मैं इसका इसका जी ना वो बताती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ, प्रैक्टिस का बताती हूँ, ठीक है। अब है एक लफ्ज है बराबर, हामिदुन, खालिदन, इसका माने समझ आ रही है आपको। दराबा हमने पढ़ा अभी, फेल माजी, दराबा के क्या मानी है, उसने मारा मारना, उसने मारा मारा, उसने उसने मारा, मारा किसने मारा, हामिद ने मारा, क्योंकि हामिद के ऊपर हामिदुन, हामिदुन आ गया। अब ये इसको हम करेंगे दरोबा क्या है, फेल, ठीक है ना, फेल है। हामिदुन क्या है, फाइल, अच्छा फाइल। अब अभी हमने दो मजरूर पढ़े थे ना, मुक्तदार खबर, उसमें आप तीसरे को भी ऐड कर ले, फाइल। फाइल हमेशा मजरूर होता है, ठीक है। तो अभी हमने मजरूर मरफू होता है, मरफू सॉरी मरफू मरफू होता है, जी हाँ मरफू, मरफू होता है। तो मरफू दो पढ़े थे ना, मुब्तदा और खबर, तो ये मरफू फाइल, उसमें तीन अब हो गए, ठीक है ना। तीन हरूफ जो मरफू होते हैं, एक मुब्तदा, एक खबर और एक फाइल। अच्छा अब है ना, मारा किसको है, उसको बोलते आमिर हैं, हाँ आमिर उसको को बोलते हैं मफूल, जिसके ऊपर काम हुआ। तो किसको मारा है, खालिद को। तो अब ये खालिदन जो जिसको जिसके ऊपर काम, वो हमेशा मंसूब होता है, खालिदन, ठीक है, ये मंसूब है ना, नस्बी हालत में आया ना, क्यों आया, क्योंकि ये मफूल बन रहा है। खाली अभी आज जो ना, सिर्फ हम एक ही पढ़ेंगे, मंसूब इसम। मंसूब इसम कौन होता है, जो मफूल बनता है, जिसके ऊपर काम हुआ होता है, ठीक है, समझ आई आपको। अभी हम कुरान से देखते हैं ना, इंशाल्लाह समझ आएगी। हमने मरफू इसम कितने देखे, पढ़े हमने तीन, तीन मरफू, ठीक है ना, कौन से बताएं मुझे। मुब्तदा और खबर ये दोनों मरफू होते हैं। हाँ, मुब्तदा, खबर, और दूसरा तीसरा अभी पढ़ा वो फाइल, ये फाइल फाइल जो है वो ये भी तीनों हमेशा मरफू होते हैं, एक दो और तीन। मजरूर, मजरूर दो थे, ठीक है ना,
हरफे जर के बाद, हरफे जर के बाद, और दूसरा मफ़ूलुन मुदाफिले, बिही नहीं मुजाफिले। मुदाफिले। हाँ, और हमने मंसूब में अभी सिर्फ एक पढ़ा है। मंसूब में क्या पढ़ा है? मंसूब में हाँ मफ़ूलुन मफूल, बिही मफूल जिसके ऊपर काम होता है, मफूल। ठीक है, अभी हम इसको ये आप देख ले, मफूल भी एक ही पढ़ा है अभी, इंशाल्लाह हम दूसरा, एक दूसरा मैं बता देती हूँ। हाल बताए, हाल, ठीक है ना, हाल बताए, हालत बताए किसी काम की या किसी चीज की, तो उस वो भी है ना मंसूब होता है। इसको हम अभी देखते हैं इंशाल्लाह। चले इसको आप नोट कर लें, अभी हम इसको जो है कुरान से देखते हैं इंशाल्लाह। अब देखें यहाँ पर है, हम शुरू करते हैं ना। मुझे ये बता दे ये वाव क्या है? हरफे हरफे आता अता, वेरी गुड। मिनन नासी क्या हो गया? हरफे जर मरकब हाँ, जारी मुरक्कबे जा रही हो गया, जारी ठीक है। हरफे जरमीन है और अन्नासी के ऊपर जर आ गया, इसम मजरूर क्यों हुआ? अन्नासी मजरूर क्यों हुआ? मीन की वजह से वजह से, मीम की वजह से। अच्छा, मैं यकूलू, ठीक है। अब मैं यकूलू को मैंने आपको समझाया था, ये मन जो है ना, जो यकूलू कहता है, ये फेल है, मजारे है, ठीक है। इसको अभी हमने पढ़ा नहीं है। मैं यकूलू, ये इसको हम बोलेंगे इस्मुन मौसूला। और हाँ, हमने इसमें मौसूल कितने पढ़े थे? अलसी इसमें, हाँ, इसमें मौसूल कितने पढ़े हैं, याद है? अल्लाह अल्लादी पढ़ा, जी अल्लाह अल्लादी जी पढ़ा, अल्लाह जी हाँ ना, अल्लादी पढ़ा। एक बाकी एक माँ भी था हाँ और एक मन वेरी गुड, था। वेरी गुड। एक था माँ, माँ मौसूला, ठीक है ना। माँ और मन भी पढ़ा हाँ, मन, मन ये भी मन, पढ़ा मन भी पढ़ा था। हाँ, तो जी अल्लदी, माँ और मन, ये तीनों इसमें मौसूल है, तो ये आ गया मन, जो यकूलू कहता है, ठीक है ना। तो ये इसमें मौसूला हो गया, और यकूलू इसका, यकूलू आमन्ना इसका क्या हो गया, क्या हो गया, शिला सिला हो शिला गया। हाँ, यकूलू आमन्ना, आमन्ना बिल्लाही वल बिल यौमिल आखिर, ये हम कर सकते पूरा यहाँ तक का सिला। मैं यकूलू, ये इसमें मौसूल हो गया, समझ आ गई बात। ये भी सिफत बन रही है, वो लोगों में से वो जो कहता है, क्या कहता है? आमन्ना, आमन्ना फेल है, ठीक है। इसको अभी हमने पढ़ा नहीं है फेल, आमन्ना, ये फेल को अभी छोड़ दे, थोड़ा सा ही पढ़ा है। बिल्लाही, ये क्या बन रहा है? बिल्ला ही वही है ना भी लगा तो हर पे जा हाँ, हरफे जर हो गया, ठीक है। वाव, वाव हर क्या से बना? आता वाव हरफे, आता हरफे आता, हाँ। फिर बन गया बिल यौमी, हरफे जर, मौतू क्या हरफे जर। क्या अल यौमी मजरूर बन गया, क्यों मजरूर बना है? बी की वजह से बी की की वजह वजह से से, वेरी गुड। अच्छा, अब है यौमिल आखिरी, ये दो क्या बन रहे हैं? यौमिल आखिरी ये मुरक्कबे मरकबे जारी जारी बन रहा है, नहीं मुरक्कबे कब रहा इजाफी बन रहा है, नहीं ये बार रहा है वो तो सीफी तौसीफी बन रहा है। जारी कहाँ बनेगा? मुरक्कबे जा, अलियो बिल यौमी, बिल यौमी अलियो जो था ना,
बिल यौमी जो था ना ये मुरक्कबे जारी था, बी जी हरफे जर अल यौमी मजरूर, ठीक है जी ये मुरक्कबे जारी था। आप बिल अच्छा यौमी को बी को निकाल दे, अल यौमिल आखिरी, ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है ना वो तौसीफी तौसीफी, क्यों सिफत मौसूफ, दिन जी आखरी, आखरी दिन, आखिरत का दिन, जी ठीक है ना, आखरी दिन। जारी जी नहीं बोलेंगे इसको, मुरकबे इजाफी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? मुजाफ, अगर ये अल यौमा मुजाफ बन रहा है तो अल लगा हुआ है, मुजाफ पे कभी जी अल नहीं दूसरे नहीं हो लगता। सकता। हाँ नहीं हाँ लगता है इसने, जी। हाँ इसको ऐसे पहचाने, ठीक है। जेबा आपने बोला था ना, जी वो मुझे नोट नहीं किया, मुझे याद आ गया। हाँ तो अभी आपको ना ये देखना था, मुजाफ पे अल नहीं लगता, ठीक जी। है। हाँ आल और तन्वीन नहीं आएगा उसके हाँ ऊपर। तन्वीन नहीं आता तो अल की वजह से, तो हम बोलेंगे जी आखिरी, आखिरी, हमने, तुमने तर्जुमा किया ना आखिरत का दिन, इस हाँ वजह से एग्जाम हो आके सकता जल्दी है। हाँ नहीं ये जी आखिरी दिन, ठीक है, हाँ आखिरी दिन हो गया। जी हाँ अभी देखिए, बिल्लाही व बिल योमिल, ईमान लाए अल्लाह पर और योम आखिरत पर, ठीक है। तो इसने ये यौमुल आखिर और अल्लाह को, दोनों को ये वाव से जोड़ जुड़ गया है, ईमान लाए अल्लाह पर और योम आखिरत पर, ठीक है ना। ये अच्छा, ये हो गया वा मा हुम बी मुमिनीन, ये क्या बन रहा है? ये कौन हरफे सा वा, वा वहाँ वा मीनी अच्छा वा मा हरफे, वहाँ मीनी अच्छा इसको आप हरफे अत्फ बोल रहे हैं, रुको अभी मैं बताती हूँ, हरफे अत्फ नहीं है, ठीक है ना। हरफे अत्फ क्या था मानी में ये देखे? मिलाने के लिए ना वो पीछे से बताया था पाओ जैसे वकू दुहन इसमें पीछे पड़ा था देखे ये जा मिला रहा है, ये जो वाव है ना ये मिला रहा है, रहे हैं। बिल्लाही और यौमुल आखिर, हम ईमान लाए हैं अल्लाह पर और यौम आखिर पर और अल्लाह की किताबों पर, अगर कहीं और होता तो, अगर इस जी तरह से हम ईमान लाए, किस पे ईमान लाए? अल्लाह पर, योम आखिरत पर, ठीक है ना। अब आप बोलते हैं वमा हुम बेमुमिनीन, ये भी हरफ अत्फ है, ये कहीं दोनों मिलते जुड़ रहे? नहीं नहीं जुड़ रहा नहीं है नहीं ना, जुड़ नहीं रहा है, नहीं तो ये हरफ अत्फ नहीं है। मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। अच्छा पहले ये देखे, वमा, माँ क्या है? मसूला मौसूला मसूला है? गलत, मौसूला नहीं है यहाँ पर, हरफ नहीं वमा हुम वो बेमुमिनीन। नहीं यहाँ पर मा है नाफिया आता है, नहीं है नफी ये, नफी हाँ माय नफी ये मा नाफिया है, वमा हुम बेमुमिनीन, मुमिनीन और नहीं है। अच्छा नहीं है, हुम कौन, हुम क्या है? जमा जमा जमीर मुरक्कब है, हाँ ठीक है। जमीर बी जमीर मुमिनीन, अगर ईमान के साथ ना, ईमान के साथ हमेशा बा आता है, ठीक है, तो होम के साथ या बी मुमिनीन, वो मुमिन नहीं है, वो ईमान लाने वाले नहीं है, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पर जो है ना, ये वाव हालिया है, इस वाव को क्या बोलेंगे? हालिया, ये हालत बता रहा है उन लोगों की, ये आप अच्छा इसको पहचाने, जब कुरान पढ़ेंगे ना तब आपको पहचान होगी, ये अच्छा हालिया है, हालत बता रहा है उन लोगों की जो कहते हैं कि हम ईमान लाए और अल्लाह पर और यौमे आखिरत पर, हालांकि, हालांकि वो ईमान, इसका तर्जुमा हम और नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे, ठीक है ना, और वो ईमान नहीं लाए, ऐसा नहीं करें हम, बोले हालांकि वो ईमान नहीं लाए हैं, ठीक है, अच्छा सबको इसकी समझ आया? पिचार जो है इसकी पिचार जो इसकी छोटे बात करेंगे नहीं बिमुमिनीना नहीं से नहीं करेंगे नहीं 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 इसकी पहचान आपको तर्जुमा वगैरह जानेंगे ना, अभी आपको समझ आ रही है ना, ये वाव में और ये वाव में क्या फर्क है? दोनों जी में हाँ फर्क है ना, जी हाँ दोनों में फर्क है ना, आपको सही समझ आ रहा है क्या फर्क है दोनों में? नहीं ये मैं वाव वाह का है कह या, रही हाँ ये वाव है, ये हर पे वाव, वाली हाँ अतः ये अल्लाह को और योम आखिर को जोड़ रहा है, ठीक है ना, जी हम ईमान लाए अल्लाह पर और योम आखरत पर,
ये दोनों ये बातें बता रहा है कि हमने अल्लाह पर और योम अगर इसमें और भी होता और अल्लाह की किताबों पर वरुसूल ही तो जी वाव जी वाव करके जी आता जाता तो वो वाव अच्छे होता, जी लेकिन यहाँ पर हालत बता रहा है वमा ये हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो ईमान नहीं लाए हैं, ये बिल्कुल वाव बिल्कुल हालिया है। ये ठीक वाव जो है है, हालिया नफी का मानी दे रहे हैं ना। मैं ये मैं माँ की बात कर रही हूँ, ये माँ जो है ये नई नफी में आ रही है, वो या तो आगे आगे उसी आयत में इल्ला होता है ना, फिर वो होती है नहीं, इसमें कैसे पहचानेंगे कि माँ नहीं हूँ भी बा की वजह से हूँ भी अच्छा, माँ आप के इसका मानी। इसका अगर आप इसका मौसूला का मानी देके करें करें मौसूला का मानी देके तर्जुमा करें, वाह और जो हुम बी मोमिनिन और जो वो सब ईमान लाए, ऐसे हो सकता है? नहीं 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 हो सकता है ना, तर्जुमा बन रहा है? नहीं 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 बन रहा है ना। आप अगर तर्जुमा करके देखो अगर आपको डाउट है तो, और जो हाँ जी अब यहाँ पर आप नहीं बाजी करके देखो और हाँ जी हालांकि नहीं वो बाबा ईमान लाए, हाँ है जी हालांकि नहीं हमारा ना? सही ऐसे आपको ना बाजी आहिस्ता आहिस्ता तर्जमे जी से ठीक पहचानेंगे हाँ, आप खुद तर्जुमा करेंगे ना तो तो आपको खुद ही समझ ये आ भी है जाएगा। ना जो माँ जो है ना सही जो जुमले के बीच में आया है तो वहां पे मैनेज के नहीं आते हैं ना, अगर माँ शुरू में आए तो फिर वहां माँ का मानी कुछ और होता है। ये भी तो शुरू में ही आया है। हाँ शुरू में ही ये है ना, शुरू ये में आखिर हाँ, ही है ये ना हमारा इसका। वाव है माँ हूँ भी मोमिनी, वाव नहीं होता ना, फिर भी नहीं अगर ये होता माँ हूँ भी मोमिनी होता नहीं है वो हाँ मोमिन, इसकी निशानी कुछ भी नहीं है, इसकी अच्छा निशानी तर्जमा सियाक और पढ़ दो सबाक, इसको क्या बोलते हैं सियाक और सबाक, आगे पीछे से हम देखेंगे। हाँ सिया को ठीक है सबक हाँ, सियाक और सबाक कॉन्टेक्स्ट इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब देखे फेल के अलावा आपको इसमें सब कुछ समझ आ गया है। अच्छा, अब यहाँ पर जी देखे युखादिउना, ये भी है ना, वो जो है वो धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये मजारे हैं। अच्छा, अब ये जी है ना, ये फेल है, फेल क्या है, इसमें क्या काम हो रहा है? धोखा धोखा, वो धोखा देते हैं हाँ, धोखा किसको देते धोखा दे रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं? अल्लाह को धोखा अल्लाह देने की कोशिश। तो अब ये अल्लाह के ऊपर ना जजम आ गया, जबर आ गया, नसब आ गया, ये जो है ना मफूल भी ही बन रहा है। अच्छा ठीक है, ये मफूल भी, फाइल और फेल दोनों इसके अंदर है। ये युखा जो है ना जमा के लिए आया है, युखा जमा जाऊ ना, ये वाव, जी जी ये वाव जो है ना जी जमा के लिए आया है, और यू जो है ना जी गायब के लिए। वो सब जी धोखा देने की कोशिश करते हैं, फाइल वो सब लोग हैं और फेल क्या है, धोखा देना। किसको, अल्लाह मफूल कौन है, किसको धोखा देने की कोशिश करते हैं? ये अल्लाह अल्लाह को। तो ये इसमें जलाला अल्लाह क्या हो गया, चूंकि ये मफूल बन रहा है, मफूल भी ही, तो ये मफूल जो ना हमेशा मंसूब होता है। ठीक है, तो वो धोखा देने की कोशिश करते हैं अल्लाह को। वल्लदीना आमनू, अब ये वाव क्या हो गया, हालिया हो गया, क़ाफ़िया हो गया, ये भी हालिया है ना, हालिया है? हाँ, वो माँ रख दो। अच्छा ये अलग वो माँ रख दो, ये ये वाव क्या है, हालिया है, क़ाफ़िया है? दो अच्छी है लोगों, अच्छी है, और वो दुखा देते ना, और दो लोगों के बारे में, ठीक है ना, जी जी और वल्लदीना आमनू, और उन लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं जो ईमान लाए, अल्लाह को और उन लोगों को जो ईमान लाए। ईमान ठीक है लाए हाँ। जी ये अच्छा, तो आप मुझे गया, ये बताएं, ये अल्लदीना क्या है? मौसूल ये अल्लाजी ना मानू है ये ना, तो मस मौसूल, हाँ इसमें जमा मौसूल है, अल्लदीना जमा के लिए है। ठीक है, के हाँ। अच्छा, लिए ये मबनी है, इसका कोई इराब होता है? मबनी है, इसका नहीं इराब नहीं नजर नहीं ये आता। मतलब हाँ, ये हाँ नजर नहीं आता, मगर ये इराबी हालत में, यहाँ पर बताओ इसकी इराबी हालत क्या है, आपको समझ आ रहा है नसबी कुछ? नसबी है ना जी नसबी है, वेरी गुड। नसबी नसबी है कैसे, ये जबर से नहीं पहचाना आपने? नसबी जी है, जबर की वजह से कहा जी मैंने आपने? तो जबर की वजह से मैंने तो जबर दे के बोला है। नहीं, अल्लज़ीना पे तो हमेशा जबर ही होगा, मबनी है वो, हाँ हमेशा ही वो हमेशा जबर जबर ही होगा। होगा नहीं, यहाँ पर ये नसबी क्यों है, कौन जी बताएगा?
ये सलमा जी, यहाँ पर जैसे अल्लाह आया ना मफूल में ही, तो और आपके मतलब एक और जिक्र आया, मेमान वेरी आदमी का। गुड वेरी गुड, जिस अच्छा तरीके से, हाँ ये अल्लाह जो है ना, अल्लाह इसमें जलाला मफूल जी, भी है, अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं जो आमनू, तो ये वल्लदीना जो है ना, इसकी अराबी हालत भी नस्बी हो गई, ठीक सही सही सही, है। पता चल। हाँ, महलन महलन नस्बी है, मफूल की जगह पर है ये, अच्छा मतलब किसकी महल में है, मफूल उन भी की, तो अल्लदीना की अराबी हालत नस्बी हो गई, ठीक है। जी, अल्लदीना, अच्छा ये इसमें मौसूल है, इसका सिला क्या है? आमन, सिलरी आमन। आमनो आमनो सिला, वेरी गुड, ठीक है। चले अब आप देखें, वापस आ गया, वा मा यखदाऊना, ये वा कौन सा है? अच्छी आतफ है के हालिया है, जी जी ये अतफिया है वा, आतफ रमा देखे और अतफिया है कि ये वकीरा, हालांकि हाँ ये भी होगा ना, ये भी होगा ना, हालांकि नहीं वो हालात बता दुखो। रहा है। हाँ ये देखे, हाँ ये अगर ये वाह होता ना, वाह जी अतफिया होता ना, तो इसके साथ जुड़ता, वल्लदीन जी आमनू वमा यकदऊना, हो सकता है जी अल्लाह और वो लोग जिनको जो ईमान लाए, और नहीं, हालांकि हाँ ये अभी ये देखे अतफिया बन रहा है, नहीं, हालांकि नहीं नहीं तो दुखा बन रहा है, ये हालिया बन देखे रहा है, हालांकि ये हाल हाल। ये है कि हाँ हाँ वो धोखा देते हैं सिर्फ अपने आप को, ठीक है ना, हालांकि हालत ये है, वो कोशिश करते हैं अल्लाह और उसके, अल्लाह और उन लोगों को जो ईमान लाए धोखा देने की, हालांकि वो धोखा नहीं हालांकि देते मगर अपने आप को, ठीक है ना, अगर हाल ये है असल में कि वो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, तो ये भाव क्या हो गया? हालिया हालिया हो गया। हालिया अच्छा ये फिर आ गया, वमा यशुरून, ये क्या हो गया? ओ ये, और ये नहीं वो तो शौर बिल्कुल, रखते, और नहीं वो शौर रखते, हाँ ये अतफी होगा। नहीं, ये अतफिया, ये भी नहीं आएगा अतफिया, ये भी वही है ना, हाँ हालिया ये भी हालिया ही है, और उस उनको इसका अच्छा, शऊर नहीं है, हालांकि उनको इसका शऊर नहीं है, उन्हीं उनकी ये उन्हीं की बात है ना, की इसलिए बात ये है, सही। हाँ ठीक हालांकि है उनकी ना, शौक तो ये भी हालिया आ सही रहा है, अतफिया नहीं आ रहा है, ठीक है। वमा सही, यशुरून, हालांकि वो इसको इसका उनको इसका क्यों नहीं शऊर रखते। नहीं हाँ है, ठीक सही है। तो सही ये अभी यहाँ पे देखे, यखदाऊना फेले इल्ला, ठीक है, इल्ला मगर, अनफुसहुम, अनफुसु क्यों नहीं आया, फेस क्यों नहीं आया? यखदाऊना हूँ। हाँ तो अनफुसा क्यों, ये मंसूब क्यों आया, क्योंकि उन्हीं की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है? धोखा देने वालों की ना, उन्हीं की। हाँ तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये लफ्ज क्या है, इसमें मजरूर क्यों, मंसूब क्यों हुआ, हमने मंसूब एक ही पढ़ा है अभी, बताए मुझे नसब कब लगता है, यखदा होना भी ये मंसूब है ना, यखदाऊना तो फेल है, ये फेल तो फेल है, यखदाऊना वो धोखा देते हैं, तो ये फेल है, ये फेल है, इसका एक फाइल है, फाइल कौन है, सो इसका फाइल इसी में मौजूद है, यखदाऊना ये वावल सो जमाती, वो सब लोग धोखा देने की कोशिश करते हैं, किसको? हाँ अपने ही नफ्सों को, तो अपने ये नफ्सों किसको फिर क्या बन गया, खालिद ने मारा हामिद को, किसको मारा, को। मारने वाला हाँ खालिद, अपने किसको मारा, अपने नफ्स को, इसलिए अपने ही हाँ, तो ये क्या हो गया, ये इसको हम क्या बोलेंगे, अपने आप को धोखा देते हैं। मफूलुन, अपोलोन भी हाँ मफूलुन बेही बना है ना, इसीलिए इसके ऊपर नसब आया, ये मंसूब है, ये नसब से अच्छा पता चल जाता है,
ठीक जी है, हाँ वो धोखा जी देते हैं, वो लोग सब धोखा देते हैं। अगर ये अपने सवाल जी है कि किसको, ठीक है, तो अपने जानों को, तो ये मफूलून है। फाइल काम किसके ऊपर हो रहा है? अपनी जानों पर, तो इसीलिए ये मंसूब अपनी आया। हाँ अच्छा, ये मंसूब आ गया। अब ये दोनों का मुरकब क्या बन रहा है? इसका ये दोनों क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है इजाफी बताओ? इजाफी बोला है, इसे बताओ। इजाफी इजाफी हाँ अपने आप बिल्कुल, मुरक्कब अपने इजाफी। ये इसम है, अनफुस यानी जान, हुम यानी उनकी, ये मुजाफ है अनफुसा, और हुम जो है ना मुजाफिल है, और ये मुजाफिल है मजरूर है। ये हुम मजरूर है कि मरफू है? यानी असल में जरूर ही हाँ हो गया ना मजरूर है, उसको मुदाफ मजरूर है, मतलब इसीलिए मुत्तसिल आया है। हाँ मजरूर है, इसीलिए मुत्तसिल आया है। ये देखिए, ये मुनफसिल हुम है, ये मरफू है, ये मजरूर है, क्यों? क्योंकि मुत्तसिल आया है, ठीक है ना। ये हुम में, ये हुम में और ये हुम में फर्क है ना, ये अलग से आया है मुनफसिल, तो ये मरफू हालत में, और ये मुत्तसिल आया मजरूर हालत में। और मजरूर हालत में क्यों हुआ है? क्योंकि ये साफ जो मुजाफिल है, आजमीर जो साफ मुजाफिल आते है, हैं नहीं मुजाफिल ही बन रहा है, हाँ ठीक है ना। मुजाफिल है हमेशा मजरूर होता है, ठीक है जी, सही समझ आ गई? जी यहां तक समझ आई सबको? जी आ गए देखिए हम तर्जुमा देखते हैं। बाज लोग कहते हैं कि हम अल्लाह ताला पर और कयामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन दर हकीकत वो ईमान वाले नहीं है। अब यहाँ पर देखो, इन्होंने इसका तर्जुमा क्या किया, वहां का तर्जुमा क्या किया? बाज लोग यानी जी मिनन्नासी, ठीक है, मैं यकूलू कहते हैं कि हम अल्लाह ताला पर, आमन्ना बिल्ला, हम अल्लाह ताला पर और बिल्योमिल आखिर को कयामत के दिन पर ईमान लाते हैं, ये आमन्ना का किया, लेकिन दर हकीकत वो ईमान वाले नहीं है, ठीक है। अब ये लेकिन दर हकीकत इन्होंने कहाँ से लिया? वो माँ से खाली वा, खाली माँ से, उंगली वास वा से, वा से, वास ये वाव का तर्जुमा, ये हालत बताई उन्होंने, लेकिन दर हकीकत फिर है वो हम, वो ईमान वाले नहीं, इससे लिया माँ से, ठीक है ना। ये सिर्फ वाव का तर्जुमा इन्होंने किया, लेकिन दर हकीकत वो ईमान वाले नहीं है, इसीलिए मैंने बोला ये हालिया है, ठीक है। इसमें और का तर्जुमा नहीं किया ना इन्होंने, नहीं ये वाव को नहीं किया ना, नहीं नहीं किया, तो हम इसको वाव को अतकिया बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। इसी तरीके से वो अल्लाह ताला को और ईमान वालों को धोखा देते हैं, असल में धोखा देने की कोशिश करते हैं, हमें कहना चाहिए, लेकिन वमा यखदाउना। अब इन्होंने फिर इसका वा का क्या तर्जुमा किया, लेकिन दरअसल, ये वाव का तर्जुमा इन्होंने क्या किया, लेकिन दरअसल यखदाउना वो धोखा देते हैं, अनफुसहुम वो खुद अपने आप को धोखा देते हैं, दे रहे हैं, वमा यशुरून मगर समझते नहीं। अब यहाँ पर भी इन्होंने और का तर्जुमा नहीं किया है, क्या किया है, मगर, ये वाव का, मगर वो समझते नहीं, ठीक है ना। तो ये वाव और ये वाव यहाँ पर किया है इन्होंने और का तर्जुमा, कयामत के दिन पर ईमान रखते हैं, और ये देखे, और अल्लाह पर और कयामत के दिन पर, ये वाव का तर्जुमा इन्होंने और किया। समझ आ रही है आपको? अच्छी जी तरह समझ आई? वाव हालिया सबका ना, और करते नहीं जाना है तर्जुमा आप लोगों ने। चले आप, टाइम हो गया है, आप इसको खत्म करते क्लास को। आप पढ़ना चाहते हैं जैनब के साथ? जी आपा, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरा वो जूम बंद हो गया था बीच में। तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना। अच्छा फातिमा, आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे बेटा। सुभान अल्लाह, हम देखा शदा ला इलाहा इल्ला अंत।
अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम।